हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के लिए सबके पसंदीदा छोले भटूरे का प्लेटर लेकर आई हूँ। बच्चे हों या बड़े, बस छोले भटूरे देख लें तो खाए बिना रह नहीं पाते। और इस बार मैंने इन छोलों को बस एक सीटी में बनाकर तैयार किया है, तो झटपट बनने वाले छोले भटूरे का प्लेटर बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने काबुली चने लिए हैं, जिन्हें मैंने एक रात के लिए पानी में भिगो दिया था। लगभग 7 से 8 घंटे पानी में भिगोना होता है, और आप देख सकते हैं कि पानी में भीगने के बाद कैसे फूल जाते, इतने बड़े बड़े ये चने हो जाते हैं। अब मैं इनको अच्छे से वॉश कर लेती हूँ, पानी से निकाल लेती हूँ। इसमें मैं डालती हूँ लगभग 3/4 स्पून बेकिंग सोडा, और काबुली चने में बेकिंग सोडा को अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। ये मैंने काबुली चने में, हर एक जैसे चने में हमारा बेकिंग सोडा हल्का हल्का लग जाए, अंदर तक पहुंच जाए, सबसे मैंने इसमें मिक्स कर दिया है। अब मैं इसे ढककर 5 मिनट के लिए रख दूंगी। 5 मिनट बाद अब मैं क्या करूंगी, काबुली चने को अच्छे से धो लूंगी, 3-4 बार पानी में वॉश करूंगी, ताकि क्या होगा, हमारा जो इस सोडा इसमें लगा हुआ है, एक्स्ट्रा सोडा सारा निकल जाए। क्योंकि हम अक्सर देखते हैं कि सोडा हमें नुकसान करता है, लेकिन तब भी हम डालते हैं खाने में। तो ऐसा वॉश करने से क्या होगा कि सारा सोडा आपका पानी से निकल जाएगा, पानी के थ्रू, और इसमें बिल्कुल भी सोडा नहीं बचेगा, और ये आपको नुकसान भी नहीं करेगा। जैसे काफ़ी लोग बॉईल करते समय बेकिंग सोडा डालते हैं तो बहुत नुकसान करता है। तो इस तरीके से आप बनाएंगे तो ये जो छोले हैं वो परफेक्ट तैयार होंगे, बहुत बड़े बड़े फूल कर भी आएंगे, और खाने में तो टेस्टी लगेंगे ही और नुकसान भी नहीं करेंगे। तो मैंने इनको पानी में अच्छे से वॉश कर लिया है। अब मैं कुकर में ये चने सारे डाल देती हूँ। इसके बाद इसमें मैं पानी डालती हूँ कि हमारे ये सारे चने अच्छे से पानी में डिप हो जाएं। अब मैं इसमें डालती हूँ स्वाद के अनुसार नमक। नमक डालने के बाद इसे एक बार मिक्स कर लेती हूँ। कुकर का ढक्कन लगा देती हूँ और कुकर को ले जाके गैस पे रख देती हूँ। और एक सीटी के बाद, एक सीटी आ गई है तो गैस को मैं थोड़ा सिम करके इसमें प्रेशर भरती हूँ, और फिर मैं गैस बंद कर देती हूँ। और जैसे ही मेरे कुकर का प्रेशर बिल्कुल निकल जाए तो मैं कुकर का खोल के देखती हूँ, और वाओ, देख रहे हैं हमारे चने कितने बड़े बड़े फूल कर आकर तैयार हो चुके हैं। और देखिए, हमने उबालते समय इसमें सोडा भी नहीं डाला, पहले ही डाला था, जो बाकी का सोडा हमने धो भी दिया था, और एकदम सॉफ्ट हो गए हैं बस एक सीटी में। तो इस तरीके से ये मेरे काबुली चने तो बॉईल हो चुके हैं। अभी मैं इन्हें साइड से कर देती हूँ। अब एक पैन या फिर कोई भी पतीला आप गैस पर रख सकते हैं। इसमें मैंने थोड़ा पानी डाला है, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा पानी डालते हैं। और ये मैंने चाय पत्ती ली है, 1 स्पून चाय पत्ती, 1 से 1.5 स्पून चाय पत्ती इसमें डाल देती हूँ। अब मैं इस पानी को खूब अच्छे से उबाल लेती हूँ, खूब खदका लेती हूँ। इसके बाद जैसे ही पानी में अच्छे से उबाल आ जाए, जैसे कि आप देख सकते हैं, तो अब मैं क्या करूँगी, इस पानी को मैं छानूंगी। और जब तक पानी छानूंगी, पानी को तो साइड से रख दूंगी और एक कढ़ाई गैस पे रख दूंगी। इसमें मैंने कढ़ाई में ऑयल डाला, ये तेजपत्ता का पत्ता लिया मैंने, फिर बड़ी इलायची ली है, और ये मैंने इसमें लौंग ली है, काली मिर्च ली है। इन सबको मुझे दरदरा कूटना होता है। बड़ी इलायची का मैंने छिलका छील के अलग कर लिया है, और बाकी सारे मसाले मैं दरदरे कूट लेती हूँ, क्योंकि छोले में दरदरे मसाले कूट के डालने से बहुत अलग फ्लेवर आता है। ऑयल गर्म होने के बाद इसमें मैंने जीरा डाल दिया, और फिर तेजपात का पत्ता डाल दिया। इसके बाद जैसे ही जीरा भुन जाए तो इसमें मैंने दो लाल मिर्च डाल दी, साबुत कट की हुई अदरक डाल दी है। इसके बाद ये जो दरदरा मसाला कूटा था वो मैंने इसमें डाल दिया है, और इन सबको मैं अच्छे से थोड़ा भून लेती हूँ। तो ये सारी चीज़ें तो मैं भून ली हैं, जैसे ने आपने देखा। इसके बाद अब मुझे इसमें डालनी है 1 पिंच हींग। हींग डाल के भी इसे थोड़ा भून लेती, चला लेती हूँ। अब क्या करूँगी, इसमें थोड़ा पानी डालूंगी, ज़्यादा पानी नहीं डालती भी, बस थोड़ा ही पानी डालती हूँ, और इसे मिक्स करती हूँ। अब इसमें मैं क्या करूँगी, इसमें तो मैं बॉयल आने दूंगी, और ये यहाँ पे मैं चाय पत्ती छान लेती हूँ। मैंने तभी नहीं छानी थी, अभी थोड़ा रुक के छानी, ताकि थोड़ी ये ठंडी हो जाए। आज हम काले दिल्ली स्टाइल के छोले भटूरे का प्लेटर बना रहे हैं, तो ये चाय पत्ती तो अब मैं फेंक दूंगी, किसी काम की नहीं है। इसका पानी को हमें बस यूज़ में लेना है, और अब ये जो मैंने कढ़ाई में छौंक लगाया था उसमें ये पानी मैं डाल दूंगी। इसके साथ अब मैं इसमें थोड़े मसाले और ऐड करूंगी, जैसे कि धनिया पाउडर इसमें डाल देती हूँ। उसके बाद लाल मिर्च पाउडर इसमें डाल दिया है, और इन्हें अच्छे से भून लेती हूँ, मतलब खदका लेती हूँ।
कसूरी मेथी इसमें मैं डाल दूंगी। कसूरी मेथी को डालने के बाद भी इसे खूब अच्छे से मिक्स करूंगी, उबाल लूंगी। देखिए पानी में आप देख सकते हैं कितने अच्छे से उबाल आ गई है। तो अब ये जो छोले मैंने बॉईल करके रखे थे, काबुली चने, वो सब इसमें डाल दूंगी और इन्हें खूब अच्छे से मिक्स कर लूंगी। तो इस तरीके से हमारे बनते हैं दिल्ली के मशहूर काले छोले। अब इसमें मैं अमचूर पाउडर डाल देती हूँ। अमचूर पाउडर थोड़ा अच्छी क्वांटिटी में डालती हूँ क्योंकि इसमें हम टमाटर का यूज़ नहीं करते हैं। और गरम मसाला मैं इसमें डाल देती हूँ। थोड़ा सा एंड में टेस्ट के लिए जीरा पाउडर डालती हूँ, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है छोले में। और इन सबको मिक्स करके अब इसमें खूब अच्छे से उबाल लेती हूँ, खदका लेती हूँ छोलों को, अच्छे से चला लेती हूँ और खूब अच्छे से खदका लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें खूब अच्छे से उबाल आ गई है। अब एंड में हमें स्पेशल इंग्रेडिएंट यानी कि चना मसाला, जिसे छोले मसाला भी कहते हैं, ये मार्केट में इजीली अवेलेबल होता है, आप चाहें घर पर भी बना सकते हैं, वो इसमें मैं डाल देती हूँ और इसे खूब अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। इसके बाद अब मैं इसे क्या करूँगी, जैसे ही हमारे छोले में खूब अच्छे से उबाल आने लगे, कुक होने लगे, तो इसको मैं क्या करूँगी, थोड़ा सा ढककर कुक करूँगी ताकि मसाले हमारे और अच्छे से इसमें कुक होकर आएँ। गैस को थोड़ा सिम कर दूँगी। 1-2 मिनट ढककर कुक करने के बाद देखिए मेरे ये जो छोले हैं वो बिल्कुल बनकर तैयार हो चुके हैं। अच्छे से मैंने इन्हें तैयार कर लिया है। तो अब मैं गैस को बंद कर दूंगी और इन्हें साइड से ढककर रख दूंगी, क्योंकि अब हम भटूरे बनाएंगे और छोले भटूरे फिर साथ में बाद में हम इसको इंजॉय करेंगे। यहाँ पे 1 बाउल भटूरे के लिए मैंने मैदा ली है और इसके बाद ये दूसरा बाउल भी मैं इस मैदा में ऐड कर देती हूँ और 1 बाउल सूजी लेती हूँ, यानी कि 2 बाउल मैदा और 1 बाउल सूजी, ऐसा हमें ये जो है इंग्रेडिएंट्स रखने होते हैं। इसके बाद स्वाद के अनुसार नमक डाल दिया इसमें और नमक को भी इसमें अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ, हाथों की मदद से ही मिक्स कर लेती हूँ। और यहाँ पे अब मैं इसमें दही डालती हूँ। दही डालने से क्या होता है, हमारे भटूरे बहुत सॉफ्ट बनकर तैयार होते हैं, जैसे कि दिल्ली में मिलते हैं काले छोले के साथ एकदम सॉफ्ट भटूरे, वो उस तरीके से हमारे ये भटूरे जो है वो बिल्कुल बनकर तैयार होंगे। इन्हें खूब अच्छे से मैं मिक्स कर लेती हूँ। ये मेरे दही में अच्छे से मिक्स हो गई है सारी मैदा। तो अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका आटा जो है वो गूंथ कर तैयार कर लेती हूँ। ये देखिए इसमें सब चीज़ें अच्छे से मिक्स करते हुए मैं इसमें आटा जो है इसका थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए गूंथ कर तैयार कर लेती हूँ। ऐसे सॉफ्ट आटा मुझे इसका गूंथ कर तैयार करना होता है। इसे थोड़ा सा मैं घी लगाते हुए इसे हल्का सा चिकना और अच्छे से कर लूँगी, मल लूँगी। जितना अच्छे से आप मलेंगे उतने ही फूले फूले हमारे ये जो भटूरे हैं वो तैयार होकर आएंगे। तो ये देखिए ये मेरे भटूरे की मैदा बिल्कुल बनकर तैयार हो गई है गुथकर। तो इसे अभी मैं ढककर 5 मिनट के लिए सेट होने के लिए रख देती हूँ। और अब मैं देखती हूँ यहाँ पे, जैसे मैंने छोले को बंद कर दिया था, और देखिए 5 मिनट बाद ही आप देखिए हमारे छोले कितने गाढ़े हो जाते हैं, बिल्कुल परफेक्ट छोले बनकर तैयार हो जाते हैं। कितने बढ़िया टेस्टी छोले लग रहे हैं। ये काले छोले ऐसे ही बनाए जाते हैं हमारे दिल्ली में, आपने अगर खाए होंगे तो बिल्कुल सिमिलर टेस्ट आपको ये आएगा। तो यहाँ पे मेरी मैदा भी सेट हो गई है, देखिए कितनी फूल कर भी आ जाती है। इसे एक बार और अच्छे से मल लेती हूँ। तो यहाँ पे इसको मैंने मल लिया है। अब मैं अपने भटूरे को एक एक करके बेलूंगी। तो यहाँ पे थोड़ा सा पार्ट लेती हूँ ये गूंथी हुई मैदा का, और फिर इसकी एक लोई बनाती हूँ, सूखी मैदा मैं डिप करती हूँ और इसको गोल गोल पतला पतला बेल लेती हूँ। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये प्लेटर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कैसी लगी आपको आज की मेरी ये स्पेशल छोले भटूरे का प्लेटर। तो यहाँ पे मैंने देखिए भटूरे को गोल गोल अच्छे से बेल लिया है। और वीडियो को लाइक आपको तो ज़रूर करना है ताकि मुझे भी पता चल सके आपको कितनी अच्छी ये वीडियो लगी। यहाँ पे मैंने ऑयल को पहले ही गरम करने के लिए रख दिया था। ऑयल गरम हो गया है तो मैं इसमें ये भटूरा डालती हूँ और इसको सेक लेती हूँ, डीप फ्राई कर लेती हूँ। हल्का हल्का पलटा लगाते हुए इसे फुला लेती हूँ मैं, और पलट पलट के अच्छे से इसे भटूरे को सेक कर डीप फ्राई करके प्लेट में निकाल लूँगी।
देखिए मेरा भटूरा बिल्कुल सिककर तैयार हो चुका है। अब मैं इसको प्लेट में निकाल लेती हूँ और इस तरीके से मैं बाकी बचे भटूरे डीप फ्राई कर लूँगी और मेरे छोले भटूरा प्लेटर तैयार है। इसको मैं सर्व करती हूँ। तो मुझे तो उम्मीद है आपको ये प्लेटर बहुत पसंद आया होगा। इसी बात पे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और ऐसे ही रेसिपीज देखते रहने के लिए मेरे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिएगा और यूट्यूब चैनल को ज़रूर कीजिएगा सब्सक्राइब। अब मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी, तब तक के लिए बाय बाय।